बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपके साथ एक मैं न्यूज़ शेयर कर दूंगा। मैं मुख्तलिफ वीडियोस में इसके मतलब भी अपडेट करता रहता हूं। देखें जी, ई काम एक्सपायर है तब भी आपको इस यानी कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके हरूब है तब भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मतलूब हैं तब भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका तब भी मिल लें। आपने पासपोर्ट रीन्यू करवाना है, आपने नकल मदमत करवानी है, आपका कफील बदून कफील, आप यानी कि बाहर कहीं काम कर रहे हैं, अभी भाई मैंने घर जाना है, आपके ई काम एक्सपायर, आप घर जाना है, अभी मैंने यार घर कैसे जाऊँ, क्रूज हाई लगवा कर या ऐसा क्रूज लगवा कर जिसके थ्रू मैं दोबारा न्यू वीज़ा पर दोबारा आ सकूं, या आप बोल रहे हैं जी कि मेरी सैलरीज बाकी कंपनीज की तरफ से कफील सैलरी या मुसलसल सैलरी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, या आप किसी कंपनी वगैरह के ऊपर केस ठोकना चाह रहे हैं, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ वीडियोज़ में इन मसाइल के ऊपर मैं भी बात करता रहता हूँ, लेकिन ना मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, यार देखें, एक बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम आपको बता देते जितना हमें इलम हो, जो पुराने सऊदी अरब में रहते भाई हैं वो हमसे भी बेहतर जानते हैं, और मुझे कुछ कमेंट वगैरह ऐसे करते हैं जिन कमेंट्स को मैं पढ़कर खुद से मुझे भाई उनके मुतल्लक अपडेट मिलती है। हाँ भाई, ऐसा भी है, या व्हाट्सएप के ऊपर भी भाई रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अभी, मैं अपना, जिसमें आप देख सकते हैं जी के यानी कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने मिसाल के तौर पर इनमें से कोई भी मसला आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर आप पाकिस्तान में आए हुए हैं, डीपोर्ट होकर क्रूज लगवा कर सवारा से किसी भी सूरत में, या वैसे क्रूज हाई लगवा कर आए हुए हैं, आप दोबारा सऊदी में जाना चाहते हैं, तो आप खरूज का पेपर या मसाल पेपर, जिससे ये क्लियर होता है बंदा सऊदी में, बंदे के ऊपर सऊदी में कोई पाबंदी है या नहीं है, वो तमाम उनके मुतालिक भी अगर आपने कुछ पूछना हो, पेपर निकलवाने हो, तो मुझसे रब्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बंदे हैं ना, ये हमसे भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनका काम यही है, इनको इसके मुतालिक इन्होंने भाई 24 घंटे इसी चीज़ के मुतालिक वर्क करना होता है। ठीक है जी, तो आपको मैं यहाँ पर वो चीज़ दिखा रखा हूँ, देखना जी, जिस कौंसलर टीम की मदीना मुनवरा में आमद, मदीना मुनवरा के नज़दीक आप कहीं भी रहते हैं, आप इनसे जाकर मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डेट वगैरह भी आप देख सकते हैं, सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक, और शाम दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक, ये जुमे वाले दिन यानी कि सुबह के मनाजर हैं जी, सुबह टाइम आप जा सकते हैं। और हफ्ते वाले दिन की अगर बात करें, सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक है जी हफ्ते वाले दिन। मुकाम देख लें जी, पाकिस्तान हाउस मदीना मुनवरा, नीचे नंबर वगैरह आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इनसे मिल सकते हैं। कोई भी मसला है, काम एक्सपायर है, आपने भी, हाँ मैं घर जाना चाहता हूँ, क्रूज हाई कैसे, वो आप वहाँ पर अपने ये पेपर वगैरह आपके जमा कर लेंगे। हरूब है, मैं घर जाना चाहता हूँ, आपके पेपर जमा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बदून कफील हैं, आप बाहर कहीं काम करते हैं, अभी मेरा क्या मसला है, इस मसले का क्या बनेगा, आप इनसे मिल सकते हैं। आपके भाई आपकी कंपनी कफील वगैरह पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात चाहते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। यानी कि ये तमाम परदेशियों के जो मसाइल वगैरह होते हैं ना, ये आपको या तो इनका हल यहीं से मिल जाता है आपको, या अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ये गाइड कर देती हैं, ताकि आपको भाई को अच्छी रहनुमाई मिल जाए, आपका ज़्यादा नुकसान होने से बच जाए।